देखिबा परवर्ती खबर श्रीमंदिर 75 मीटर सुरक्षा जोन विस्थापित होता व्यक्ति को थैथान करने आरंभ कर पुरी जिला प्रशासन विस्थापित बासाणी साही मौजार 7 जन परिवार को पुरी मंगलाघाट मौजा गदाधर हाईस्कल निकट में घर करे रही जगह जगह जिला प्रशासन प्रत्येक परिवार को 1000 स्क्वायर फुट जमी दि जाता नुआ घर करने भूमिपूजन जोटे प्रशासनिक अधिकारी मैंने उपस्थित थे कि विडम्बनार विषय जो दिन विस्थापित मैंने घर तोलिबा आरंभ करथले सही जगह उपरे माननीय हाईकोर्ट को निकट रे एक केस रहथिबा जानिबा को पाइथले तबे प्रशासन द्वारा विस्थापित मानको दिया जायथिबा जमीर दाबीदार कर परिवार बोली हाईकोर्ट को निकट रे एक सत्यपाठ दाखल होता माननीय हाईकोर्ट पूरी एसडीजेएम कोर्ट को यहार विचार करबा को कहिथिबा बेले विस्थापित 7 जन परिवार को प्रशासन द्वारा दिया जायथिबा जमी कर परिवार रो बोली सुनाई देथले तबे सेपटे प्रशासन द्वारा दिया जायथिबा जमी कर परिवार रो जहां रहिछि कि कर परिवार जानिबा परे श्रीमंदिर चतुर्पाश्व विस्थापित 7 जन परिवार माननीय हाईकोर्ट को द्वारस्थ होते तेज 6 सप्ताह मध्य विस्थापित मानक निर्विवाद जमी जोगाय देवा जिलापाल को हाईकोर्ट निर्देश देते तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित पूरी सीधा साल जोड़ी आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आलोक जिते बारे विस्थापित मानक सरकार जिते बार अनेक स्थान को गोटे जमी तक दि जाऊँगी से कौन अवगत नथिले कि कई से जमी कर परिवार को या पूर्व दि जाए बोली कि निश्चित विस्मी से ही तो दुर्भाग्यर कथा जदि प्रशासन जाणीला जो मंगलाहाटर जो गदाधर स्कूल पाखे जो 7 जन विस्थापित को जमी दिया भूमि पूजन करा प्रशासन किभली भाव में जापारा ना ता बदय जमी बोली आपड़ जानते श्रीमंदिर जो 75 मीटर सुरक्षा जोन रु सबकि उच्छेद चली प्रायत 80% उच्छेद कार्य सरी जाइए आपण मैं देखा चाहिए ये हूँ विस्थापित परिवार बासाणी साई मौजार 7टी विस्थापित परिवार जो मैंने पुनर्वास पुनर्थैथान आईन अनुजाई थैथान कर प्रशासन पक्षर मंगलाहाट मौजार गदाधर विद्याधर स्कूल पाखे जगह दि जाइए प्राय 1000 स्क्वायर फुट जगार से घर या कहला कितु बास्तविक से जमीटी बदला से विस्थापित परिवार मैंने सीधासल हाइकोर्ट को द्वारस्थ होते हैं हाइकोर्ट गत काली राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन को निर्देश देते 6 सप्ताह भितर बदमुक्त जमी को हैंडओवर करने को आम अधिक आलोचना करवा आम सहित विस्थापित पर किसी सदस्य अच्छा आज्ञा सब बड़ कथा हो प्रशासन कौन जापारा ना रातारा कि भाव में कबला हो गला पट्टा हो गला जदि बद कबला और पट्टा किभला सर देखु जो जमी सी आमको देर ओनर भी अलरेडी केस करते जिते बड़े जिलापाल से पक्षभुक्त थे सी केमी जापारे ना से बदय जमी बोली बदय जमी सत्वे से लिटिगेसन जगार से आमको पट्टा बिक्री कबला करें केमी जदि सर सब जाणी भी आमको कहला आम फोर्स लगे कम करदेबू कड़े गला सर ए फोर्स कड़े गला डे व्वान्रु प्रशासन आम उपर आलिगेसन लगे कि आम घर छाड़क चाहूनाऊ आम पल्युटेड बर्तमान सर आप कहते पल्युटेड आम पॉल्यूटेड सिस्टम बर्तमान सब बड़ कथा होची माननीय हाईकोर्ट बोधे आप हृदबोध कले और 6 सप्ताह टाइम देखते आप पर्टिकुलर डिमांड कहतु आप डिमांड कौन रोज कौन निर्दिष्ट एरिया भितर आप रहिबाक चाहूँगी और पुनर्वास पुनर्थैथान आईन तो आपड़ अलरेडी नहीं जाइए सर देखो आमर सेमी किसी बेसी डिमांड ना आम सर जिते पूर्व गदाधर पाखे जमी दिखाला आम राजी ना आम प्रशासन कथा राजी आम घर या राजी थी कि सर से तो घर यानी बर्तमान सर आम 7 परिवार हिसाब से जो सुइटेबुल जमी आम चाहूँ से ही सुइटेबुल प्लट मिल आर या समय मिल आम से घर छाड़कर ये घर चाबी नहीं आम आपको जमी हस्तांतर करूँ तेज जाकर घर भांगी पारे एति की आम डिमांड अच्छी या अधिक आम किसी दरकार नहीं निश्चित आम अधिक आलोचना करें आम सहित आज किसी विस्थापित परिवार सदस्य जोड़ते आज्ञा कौन रोज वास्तविक डिमांड आप कारण हाईकोर्ट आप कथ हृदबोध कले जो प्रशासन जो चंचकता करूला जो कलबल भाव में राति अधरे पट्टा और कबला होगा बेआईन जगार राति अधरे पट्टा कबला होगा आप पर्टिकुलर डिमांड कौन रोच हाईकोर्ट को निष्पत्ति आम देखुं हाईकोर्ट निष्पत्ति का बर्तन आम स्वागत करें चाहूँ जो बर्तमान आमको ये 75 मीटर पर जो जगह सरकार जगह आसा आमको दि जाऊ निकटतर जगह दिखाला गोटे खुशी रखाक चाहिए दर्शक मानने से ही परिवार बासाणी साई मौजार एने महाप्रभु उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री कथ अनुजाई महाप्रभु उद्देश्य जमी दान करते प्रशासन को कितु बर्तमान सुधा एम को थैथान कर शेष प्रतिक्रिया ना के देखुं बर्तमान तमाम घटना को आप देखुं हाईकोर्ट को निर्देश को आप देखुं भावुंत कि 6 सप्ताह भितर आप पर्टिकुलर जगार थैथान कर कारण पूर्व आप गोटे ठोकर खाई सारे हाँ से जिनसटा आम मनरे द्वंद्व सृष्टि करती
ଆଉ ସରକାର ମାନେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ଆମର କିଛି ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମର ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଜାଗା ଦିଆଯିବ ଆମକୁ, ଆଉ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ତିଆରି କରି ଯିବୁ, ଆଉ ପୁରା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ଯାହା ଆପ୍ରୁଭ ପିକେଟି ଆପ୍ରୁଭ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଇକି ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ବିସ୍ମୟ, ପୁରା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ସେଠି ଘର ତିଆରି କରିବେ, ତାପରେ ଏଇ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ତ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ପଲିସିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଜମି ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବିବାଦୀୟ ଜାଗା ଉପରେ ଘର କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଅପରପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ବିସ୍ଥାପିତ ସାତ ଜଣ ପରିବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାହିଁ ନଥିବା କଲବ ଲଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଜମି ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାଦମୁକ୍ତ ଜମି ଦେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଘର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବିସ୍ମି ନିହାତି ଆଲୋକ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଲୋକ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଛଅ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ସାତଟି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଛଅ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।